हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इंडियन रुपी में इतना बड़ा फॉल आया है उसके पीछे क्या कारण है और ये कैसे इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन रुपी में यूएस डॉलर के मुकाबले 1.5% की गिरावट आई है और फ्राइडे को इंडियन रुपी क्लोज हुआ है 74.55 रुपीज़ अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में कि क्या कारण है जिनकी वजह से इतना बड़ा फॉल आया है। दोस्तों, सबसे पहला कारण है बढ़ते हुए कोविड केसेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, डेली 1 लाख प्लस केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इसी कारण से जो भी ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई थी FY22 के लिए उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और जो FIIs हैं उन्होंने फ्राइडे को 600 करोड़ की नेट सेलिंग की है और उनका ऐसा मानना है कि आने वाले समय में भी ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ सकता है। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण है यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है यूरो के अगेंस्ट भी। दोस्तों, यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स, वो फ्राइडे को बढ़त के साथ क्लोज हुआ है 92.30। दोस्तों, यहाँ पर आप USD INR का चार्ट देख सकते हैं, इसने एक डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और ये 74 पर क्लोज हुआ है। दोस्तों, इस चार्ट को देखने का सही तरीका है, जब भी ये चार्ट नीचे की तरफ आ रहा हो तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव बात है और जब भी ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो इसका मतलब ये है कि इंडियन रुपी में कमजोरी आ रही है। दोस्तों, नेक्स्ट कारण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने G-SEP नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत RBI मार्केट से 1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स बाय करने वाली है। दोस्तों, RBI के G-SEP प्रोग्राम के बारे में हम एक नई वीडियो में बात करेंगे। कारणों के वजह से इंडियन रुपी में इतना बड़ा फॉल आया है और जो भी करेंसी ट्रेडर्स हैं और एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि इंडियन रुपी 77-78 तक जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि इंडियन रुपी में फॉल से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन इकोनॉमी को। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट ज़्यादातर बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करती है और जो भी अलग अलग कंपनीज हैं जो कि दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करती हैं उन्हें डॉलर में पेमेंट करनी होती है। तो इस रुपी फॉल के कारण इम्पोर्ट्स महंगे होने वाले हैं और जो भी कंपनीज अपने गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है। इसलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में गिरावट के बावजूद भी निफ्टी IT इंडेक्स है और फार्मा इंडेक्स है वो पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम RBI के G-SEP प्लान के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।